कानपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां एक युवक को बिना किसी वजह से 2 दिन तक चौकी में बंधक बनाकर उसे 3rd डिग्री दी गई, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद पीड़ित युवक बुधवार को अपनी आप बीती बताने के लिए SSP ऑफिस पहुंचा। पीड़ित युवक अर्जुन का आरोप है कि बीते दिनों चकेरी थाना क्षेत्र की अहिरवा चौकी में तैनात दरोगा संजय द्विवेदी ने उसे पकड़ लिया और 2 दिनों तक बेरहमी से पिटाई की। उसने बताया कि बीते दिनों मेरे दोस्त का झगड़ा किसी महिला से हुआ था। जब दोस्त मुझे मिला तो वह आगरा जाने की बात कहने लगा। इस दौरान कुछ दूर गाड़ी से उसके साथ रामा देवी तक गया, जहां उसने मुझे उतार दिया। जब वहां से पैदल आ रहा था, तभी पुलिस ने पूछताछ के लिए मुझे पकड़ लिया और पूछताछ के लिए 2 दिन तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमारे परिजनों से पुलिस ने 15,000 रुपए लेकर मुझे छोड़ा है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पुलिस के ऐसे कारनामे किसी से पहले भी छिपे नहीं है। यदि इसी तरह पुलिस निर्दोषों पर जुल्म ढाएगी तो कैसे फरियादियों को न्याय मिलेगा। वहीं CEO केंच R.K. चतुर्वेदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अहिरवा चौकी में एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, आरोप लगाए गए थे। इसमें इस युवक को वादी के साथ अभद्रता करने पर चौकी लाया गया था, जिसमें 151 का चालान किया गया था। फिलहाल जो आरोप पाए गए हैं उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है कि अहिरवा चौकी पे एक लड़के को पकड़ा गया और उसे मारा पीटा गया और पैसे लेके छोड़े गए। इसके संदर्भ में चौकी इंचार्ज से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 781/19 के वादी को ये लड़का घर पे जाके धमका रहा था, जिसके संदर्भ में उसको पकड़ के लाए थे और दूसरे दिन धारा 151 के तहत उसका चालान किया था। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं इनकी सत्यता नहीं पाई गई। अर्जुन क्या मामला हुआ है? भैया मामला ये हुआ था, हम गए थे दोस्त के पास कुत्ते की दवा लेने। उसने मुझे कुत्ता दिलाया था जर्मन शेफर्ड का, तो हम उसके पास गए थे दवा लेने। तो वहाँ पर ऋषभ शुक्ला भी आ गया था, तो वो मतलब जा रहा होगा कहीं, तो हमने उससे पूछा भाई कहाँ जा रहा, तो बोल रहा था आगरा जा रहा। तो हमने कहा भाई हमें छोड़ देना घर के पास, तो कह रहा था ठीक है। हम उसकी गाड़ी में बैठ गए, तो जब चौकी के पास से निकले थे तो दो सिपाही ने गाड़ी से उसको दौड़ा लिया, तो उसने हमारे घर के गली के पास नहीं छोड़ा। उसके बाद हमें रामा देवी चौराहे पर छोड़ा, तो हम रामा देवी चौराहे से पैदल आए थे। जब हम पैदल आए थे तो तुम्हें किस आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार हमें इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि हम कल उसके साथ थे, तो मतलब हमें पता है कि वो कहाँ है। वो पुलिस वालों का कहना ये था, जबकि हमें कुछ पता नहीं था, हमको फ़ोन करके बुलाया था। जो तुम्हारा दोस्त था उसके ऊपर किस तरह के आरोप थे? उसके मारपीट का आरोप था संजीव नगर में, वो उनकी मम्मी थी किसी की बहन है सही होगी, तो उसी चक्कर में वो लड़ाई हुई थी। अच्छा कितने दिन तुम्हें चौकी में रखा है, किस तरह? 2 दिन चौकी में रखा हमको, बहुत मारा था मेरे को, पूरा नीला पड़ गया था, हाथ हाथ में भी बहुत मारा था और थप्पड़ी थप्पड़ बहुत मारे थे। अच्छा पैसों को, पैसे लेने का आरोप लगा रहे हो तुम कि 15,000 रुपये दरोगा जी ने लिए हैं, क्या है ऊपर मामला? भैया मामला ये था कि वकील से बात हुई थी मेरे भाई। कितने की डिमांड कर रहे थे पुलिस वाले? जो है 50,000 की डिमांड कर रहे थे, और मतलब 50,000 तो भैया एडजस्ट नहीं हो पाए, चढ़ गई है। 50,000 एडजस्ट नहीं हो पाए थे, तो मतलब कहीं से पापा ने जुगाड़ करके 15,000 रुपये एडजस्ट किए थे, तो 15,000 वकील को दिए, तो वकील के थ्रू चौकी इंचार्ज तक पैसा पहुंचा है। उसके बाद क्या कार्रवाई? उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि हमको जब 2 दिन थाने में रखा था, कि एक दिन रखा था तो पैसे नहीं मिले, दूसरे दिन रखा था मेरा भाई हमसे मिला था, तो हम उसको मम्मी को देख कर रोने लगे थे, तो हमने कहा था कि छुड़ाओ भाई, तो भाई ने मतलब 15,000 रुपये दिए थे वकील साहब को, वकील साहब ने बात की थी जो भी हुई 15,000 में, तब उसके बाद हमें 151 का चालान करके हमें छोड़ा था। टोटल कितने दिन थाने में रखा गया? 2 दिन थाने में और 2 दिन चौकी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।